राष्ट्रवाद की बड़ी बड़ी बातें करने वाले शिव सैनिकों की गुंडागर्दी इस वक्त चरम पर है। मुंबई में एक रिटायर्ड नेवी ऑफिसर ने व्हाट्सएप ग्रुप पर उद्धव ठाकरे का एक कार्टून क्या फॉरवर्ड कर दिया। शिव सैनिक भड़क उठे। उन्होंने नेवी के इस रिटायर्ड ऑफिसर को इतना मारा कि उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में एडमिट होना पड़ा। हमले के 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन चंद घंटे के अंदर ही उन्हें छोड़ भी दिया गया। और इसके बाद पूर्व नेवी अफसर का परिवार ईसीपी ऑफिस के बाहर धरने पर बैठा। जॉइंट कमिश्नर ने कार्रवाई का भरोसा दिया है, लेकिन सवाल आरोपियों को सख्त सजा देने का है, जो ताजा हालात को देखते हुए मुश्किल लग रहा है। तस्वीरें ऐसी कि शर्म से आंखें झुक जाएं, तस्वीरें ऐसी कि देखकर आपको दर्द भी होगा और गुस्सा भी आएगा। करीब आधा दर्जन लोगों के बीच खुद को बचाने की नाकाम कोशिश करते ये एक रिटायर्ड नेवी अफसर है। सालों तक देश की रक्षा करने वाले इस पूर्व नौसेना अधिकारी को कोई थप्पड़ मार रहा है तो कोई इन पर लात घूसों की बरसात कर रहा है। बुजुर्ग मिन्नते मांगता रहा, लेकिन सत्ता के नशे में चूर शिव सैनिकों ने उनकी एक न सुनी और बेहिसाब पिटाई करते रहे। सवाल ये कि क्या यही है शिवसेना की मुंबई और यही है शिवसेना का सत्ता चलाने का तरीका? क्या मुंबई में रहना है तो ठाकरे ठाकरे ही करना है, शिवसेना और उद्धव का ही गुणगान करना है? क्या सिर्फ एक कार्टून शेयर करने से ही उद्धव सरकार डर जाती है? ऊपर से इस सरकार में कोई सुनवाई भी नहीं होगी। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या उद्धव के तथाकथित शिव सैनिक एक पूर्व सैनिक की इस कदर खुलेआम पिटाई करते रहे और कोई बोलने वाला नहीं है? पुलिस स्टेशन लेके जाना है, आपके पिताजी पर चार्जेस लगे हैं। तो मैंने पूछा कि क्या चार्जेस लगे हैं, मुझे लगा कि ये डैडी के लिए आए हैं, लेकिन वो डैडी को गिरफ्तार करने के लिए आए थे। पूरा माजरा सिलसिलेवार तरीके से समझिए। आधे दर्जन से ज्यादा शिवसेना के गुंडों के सामने हाथ जोड़ते ये हैं मदन शर्मा, नेवी से रिटायर्ड ऑफिसर। इनकी गलती सिर्फ इतनी सी है कि इन्होंने महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे को लेकर एक कार्टून व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया था। बस इतनी सी बात पर शिवसेना का शाखा प्रमुख कमलेश कदम भड़क गया। अपने साथ आधा दर्जन से ज्यादा शिवसेना कार्यकर्ताओं या यूं कहें कि गुंडों को लेकर 65 साल के मदन शर्मा के घर पहुंच गए। पहले गेट के बाहर से उनको आवाज लगाई। जैसे ही गेट पर रिटायर्ड अफसर पहुंचे, शिवसेना के बेलगाम गुंडों ने उन पर हमला बोल दिया। किसी तरह से बचकर वो अंदर घुसे तो ये गुंडे भी गेट के अंदर घुसकर मारपीट करने लगे, फिर बाहर ले जाकर उनकी बुरी तरह से पिटाई कर दी गई। मेरे को ऐसा कोई नाम नहीं बताया है, लेकिन सीसीटीवी पर आया हुआ है हमारा जो बसंत प्राइड का जो हमारा गेट पर सीसीटीवी लगा हुआ है उन पर। हमको मालूम नहीं है किस पार्टी के हैं वो एग्जैक्टली। कितने लोग थे लगभग? करीब 8-10 आदमी थे। क्या कुछ कह रहे थे आपसे उस वक्त? एक आदमी आवाज करके बोल रहा है कि ये आरएसएस बीजेपी का है करके। अच्छा, ऐसा इसको मारो। वैसे हद तो तब हो गई जब शिवसेना के इन गुंडों को 24 घंटे के भीतर ही जमानत मिल गई। बड़ी बात तो ये है कि बुजुर्ग रिटायर्ड नौसैनिक अभी भी अस्पताल में अपना इलाज करवा रहे हैं और उद्धव के गुंडे खुलेआम घूम रहे हैं। अब जरा पुलिस की सफाई सुनिए कि आखिर इन लोगों को बिना कोर्ट में पेश किए क्यों जमानत मिल गई। एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के हिसाब से इन्हें छोड़ा गया है, इसी वजह से थाने से ही शिवसेना कार्यकर्ताओं को जमानत मिल गई। 5,000 के सिक्योरिटी डिपॉजिट पर ही इन्हें बेल मिली है। जो पुलिस है उन लोग ने अच्छे से सेक्शन नहीं लिया है, इनको सिर्फ नाम के लिए ये लोग ने जानबूझ के बहुत ही लो सेक्शन डाला है ताकि वो बेलेबल हो। ये अटेम्प्ट टू मर्डर केस है बनता है, तो ये लोग ने ये सेक्शन कैसे डाल दिया वो मुझे जानना है। इस मामले में विपक्ष में बैठी बीजेपी ने शिवसेना पर जमकर हमला बोला है और सीधे सीधे उद्धव ठाकरे को जिम्मेदार ठहराया है। वैसे महाराष्ट्र में शिव सैनिकों की गुंडागर्दी का इतिहास पुराना है। जब भी ये सत्ता में रहते हैं तो इनको रोकना नामुमकिन सा हो जाता है।
पहले कंगना के ऑफिस में बुलडोजर चलवाया और अब बुजुर्ग नेवी अफसर की पिटाई ने शिवसेना के सत्ता चलाने के तरीके पर एक बार फिर से सवाल उठा दिया है। सवाल ये है कि क्या महाराष्ट्र में अभिव्यक्ति की आजादी खत्म हो चुकी है? महाराष्ट्र में सरकार का आतंक और अत्याचार दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। आज उन्होंने एक एक्स सर्विसमैन को दिन दहाड़े सबके सामने, बहुत सारे लोगों ने एक अकेले इंसान को, वेटरन को अटैक किया और उन्हें बहुत बुरी तरह से मारा। उनकी गलती यही थी कि उन्होंने सरकार की निंदा की। मैं यही चाहती हूं कि सत्ता और राजनीति से परे, यहां पे मानव और साधारण मानवीय के हक के चलते केंद्र सरकार इन चीजों में हस्तक्षेप करे और हमारे संवैधानिक अधिकारों को बचाए। जय हिंद। ऐसा लग रहा है कि शिवसेना को कोरोना हथियार के तौर पर मिल गया है, जिसका वो जब चाहे जैसे चाहे फायदा उठा सकते हैं। जहां जैसी जरूरत होती है ठाकरे सरकार, वहां वैसा ही कोरोना के नियम लागू कर देती है। कभी सवाल पूछने पर किसी के ऑफिस पर बुलडोजर चल जाता है, तो कभी कार्टून शेयर करने पर किसी रिटायर्ड नेवी अफसर को पीट दिया जाता है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना इस समय खुद को सबसे बलवान दिखाना चाहती है, अपनी ताकत का एहसास कराना चाहती है, लेकिन वो ये भूल रही है कि जनता ही जनार्दन है। वो सब कुछ देख रही है और सब कुछ याद भी रखने वाली है। सरकार के सत्ता का दुरुपयोग करोगे और आपकी पार्टी के कार्यकर्ता लोगों के घर पे जाके उनको मारेंगे, ये मान्य नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने इसके ऊपर स्पष्टता करनी होगी, बता दे कि कोई भी कुछ भी करेगा मेरे विरुद्ध में और मुझे मंजूर नहीं होगा तो मेरे कार्यकर्ता जाके गुंडागिरी करेंगे, उनको मारेंगे पीटेंगे, बोल दे मुख्यमंत्री एक बार। मेरा क्या कहना है, मुख्यमंत्री इज रिस्पॉन्सिबल। मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था ढंग से रखनी पड़ेगी। हम मुंबई पुलिस से एक्सप्लेनेशन चाहेंगे कि शुरू में उन्होंने मदन शर्मा के ऊपर FIR दर्ज करने का प्रयास किया था, हमारे विधायक अतुल भातखड़कर के कारण रुक गया। मला स्पष्ट रित्या सांगायचं आहे, ठाकरे सरकारची गुंडगिरी आता थांबणार। 65 साल की उम्र और शरीर पर बेहिसाब जख्म, आंखों की यह हालत भी सारी कहानी खुद बयां कर रही है। आंखें लाल हो चुकी हैं, हाथ में गंभीर चोट है। अपनी गुंडागर्दी के लिए मशहूर ठाकरे के शिव सैनिकों ने देश के रक्षक के ऊपर हमला करके बहुत गलत किया है। हम तो हिंदुस्तान के लिए काम किए थे, ना तो कोई राज के लिए और ना तो कोई जात के लिए हमने नहीं किया था, लेकिन यहाँ पर जो अभी हो रही है वो बहुत गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो अभी इस समय हिंदुस्तान में हो रहा है वो कितना सही है? ये तो बहुत गलत हो रही है, बहुत गलत हो रही है। इस तरह का जो कहेंगे, इस तरह की सरकार को जो सरकार चला रहे हैं उनको क्या कहेंगे? ये सरकार मुझे लगता है कि नहीं होना चाहिए इस तरह का सरकार, ये पूरा नेपोटिज्म में चल रही है सरकार। वो आराम कर रहे थे तब तक घर का बेल बजा, वी ओपन द डोर एंड उधर देख रहे हैं कि पुलिस है। पुलिस बोलती है कि आपके खिलाफ किसी ने कंप्लेन कर दिया है। हमने बोला हमारे खिलाफ क्यों कंप्लेन किया है, हमें ही आके मारे हैं और हमारे खिलाफ ही कंप्लेन हो गया है, हमें उल्टा मारते हैं और हमारे ऊपर ही कंप्लेन हो जाता है। अरे आपको आना है पुलिस स्टेशन बोल रहे हैं। मैं बोला कि ठीक है पुलिस स्टेशन आना है, मैं आपको ये मना नहीं कर रहा हूँ कि मैं पुलिस स्टेशन नहीं आऊँगा, लेकिन एट प्रेजेंट उनका ये हालत नहीं है कि मैं उनको लेके चलूँ पुलिस स्टेशन। शिवसैनिकों की गुंडागर्दी और मुंबई पुलिस की ऐसी करतूत के बाद उद्धव ठाकरे सरकार पर कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये है कि कार्टून शेयर करने की बात पर पिटाई क्यों? क्या महाराष्ट्र में ठाकरे के खिलाफ बोलने पर मारा जाएगा? क्या बुजुर्ग की पिटाई करके विरोधियों को डराना चाहती है शिवसेना? क्या महाराष्ट्र में शिवसैनिकों को कानून का कोई डर नहीं है? राष्ट्रवाद की दुहाई देने वाले शिवसैनिकों ने देश की रक्षा करने वालों की पिटाई कर दी। सत्ता चलाने वाले ही अगर गुंडों का साथ देंगे तो राज्य का क्या होगा, समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है। और यहाँ बड़ी बात तो यह है कि ठाकरे परिवार में खुद कई कार्टूनिस्ट रहे हैं, ऐसे में क्या वो एक तस्वीर का तंज नहीं समझ पाए? पहले उद्धव ठाकरे की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक बुजुर्ग रिटायर्ड सैन्य अधिकारी को मारा, फिर उनके ऊपर ही FIR दर्ज कराने की कोशिश की। उन लोगों पर कार्रवाई तो छोड़िए, क्या उद्धव ठाकरे ने उन लोगों को अपनी पार्टी से भी अभी तक निकाला है?
मुंबई से एक और बड़ी खबर है। ड्रग्स केस में एक बड़ी गिरफ्तारी हुई है। एनसीबी का बड़ा एक्शन, कॉल डिटेल से कई चौंकाने वाले बड़े खुलासे। पूरी डिटेल एक छोटे से ब्रेक के बाद।